हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप को जरूर विजिट करें। जो आपके कमेंट है हमें वहाँ पर भी आप सवाल पूछ सकते हो और आपका जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो आइए आज हम बात कर लेते हैं जन सूचना पोर्टल 2019 की। तो मैं आपको बता दूं, इस पोर्टल के बारे में बहुत सारे आपने यूट्यूब पर भी वीडियो देखे होंगे और मैंने भी एक वीडियो डाला था जो कोई खास नहीं है, लेकिन मैं अभी आज आपको बताने वाला हूं कि इस पोर्टल के अंदर क्या है क्या नहीं है। ये आमजन के लिए भी बहुत बेनिफिट है और जो इमित्र धारक है उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है। वो इसको डायरेक्ट लॉगिंग करके चेक कर सकते हैं और आमजन भी डायरेक्ट लॉगिंग करके सारी सर्विसों का लाभ ले सकते हैं। वो अपनी जो भी अपना फॉर्म भरेंगे उनका भी वो देख सकते हैं उसके अंदर स्टेटस के, भाई कहाँ हमारा फॉर्म पहुँचा है। तो मैं बात कर लेता हूँ, पहले नंबर पे बात कर लेता हूँ इमित्र धारकों के लिए, क्योंकि हमारे ग्रुप पे ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा इमित्र भाई और सीएससी वैली वाले जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं ज़्यादा कास्ट के पहले बात कर लेता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आप जैसे आपको ये तकलीफ रहती है कि जैसे राशन कार्ड में किसी ने और ने एडिटिंग की है या कुछ वगैरह किया है तो उसका क्यों सी कोड रहता है, तो अपन को पता कैसे रहता है भाई ये कौन है मित्र वाला और उसका पता कैसे चले, उसका एड्रेस क्या है। तो इसका भी निस्तारण हो गया है, आप इसके अंदर चेक कर सकते हो मित्र स्थिति के बारे में। मित्र यहाँ पे दे रखा है जन सूचना पोर्टल, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप इस पोर्टल पे विजिट कर सकते हो। और उसके बाद में वहां पे आप मित्र नीचे दे रखा है, नीचे दे रखा है मित्र संचालन यानी मित्र के बारे में जानकारी, तो मित्र वहां पे आप जाके और किसी कोड डाल के और उस बंदे का पता लगा सकते हो। दूसरी बात, आपने आज तक कितना ट्रांजेक्शन किया उसका भी आप पता लगा सकते हो। आज तक आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए उनका भी पता लगा सकते हो और आपकी दुकान की लोकेशन क्या है उसका भी पता लगा, मतलब सब कुछ आप पता लगा सकते हो इस पोर्टल के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर आमजन के लिए क्या है और आमजन कैसे विजिट करें। आमजन को कोई इमित्र की जरूरत नहीं है, बाकी वो वहाँ से डायरेक्ट वहाँ से जाके इमित्र आईडी मतलब इमित्र देखने की जरूरत नहीं, मतलब वहाँ से वो डायरेक्ट जा सकते हैं इस पोर्टल पे। और इसके अंदर बहुत ही अच्छी सर्विस हैं और बहुत ही शानदार ये पोर्टल है। मैं आपको बता दूँ, मतलब इसके अंदर आपको हर सर्विस मिल जाएगी, जैसे महात्मा गांधी नरेगा, जिसके अंदर अपना देख सकते हैं अपने गांव में कितना काम हो रहा है और कितने जो जॉब कार्ड है जो एक्टिव है और गांव की रिपोर्ट, मतलब गांव का हम चेक कर सकते हैं कि कैसे क्या काम हो रहा है नरेगा का। ठीक है, ये हो गई नरेगा की बात। फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जिसके अंदर हम निकट में जो अस्पताल है उसमें चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ निःशुल्क क्या क्या जाँच होती है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें वहाँ पर चेक कर सकते हैं। फिर खाद्य सुरक्षा यानी राशन कार्ड की स्थिति, राशन कार्ड के बारे में हम चेक कर सकते हैं कि हमारे गेहूँ मिलते हैं या नहीं वगैरह, और उसके अंदर राशन कार्ड के डीलर हैं उनके पास कितने स्टॉक में गेहूँ है वगैरह वो सामग्री है, तो वो भी अपन इसके अंदर चेक कर सकते हैं। फिर मैं बता दूं आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पेंशन के बारे में भी अपन आज तक चेक कर सकते हैं हिस्ट्री वगैरह। अपन को अलग अलग पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है, इसी एक पोर्टल से सब कुछ काम हो जाएगा। छात्रवृत्ति, लेबर श्रमिक कार्ड, जिसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो अपन खुद चेक कर सकते हैं कि अपना जो श्रमिक कार्ड अपने बनवाया उसकी क्या स्थिति है, वो वापस आया या फिर अप्रूव हो गया, जो सारी चीज़ें उसके अंदर आप चेक कर सकते हो। श्रमिक कार्ड हो गया, आपकी छात्रवृत्ति हो गई, छात्रवृत्ति आप चेक कर सकते हो, और पेंशन हो गई, और जो पालनहार योजना है उसका भी आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। मतलब जो गवर्नमेंट की मेन स्कीम है जो आमजन को मतलब रोजमर्रा की ज़िंदगी के लिए काम में लेते हैं, वो सारी सर्विसें इसके अंदर मिल जाएगी। और RTI सूचना के अधिकार के तहत अपन RTI भी दाखिल करा सकते हैं उसका भी। और बाकी मैं एक अलग से इस पे वीडियो ला दूंगा तो वो आप पूरा आपको उसमें प्रोसेस समझ में आ जाएगी। अब तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मेरे पास मैं आपको बता दूं कि जल्द ही आपके लिए नई नई वीडियो आ रही है, जिसके अंदर वोटर आईडी कार्ड हम कैसे अपने घर पे वापस रिप्रिंट करके, जो PVC कार्ड होता है आजकल नए नए वोटर आईडी कार्ड आते हैं उस टाइप का वोटर आईडी कार्ड आपके घर पे अपन कैसे मंगवाएं, उसका भी मैं जल्द ही वीडियो लेके आ रहा हूं, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा और वो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आराम से आप इमित्र धारक CSC वैली आराम से कमाई कर सकते हो। फिर दूसरी बात, आप सस्ती स्टेशनरी कैसे मंगवाएं, जैसे नए इमित्र वाले होते हैं, अब क्या होता है कि 200 से SVG जो स्टेशनरी का सामान प्रोवाइड कराती है तो उसके अंदर अपन होती है लिमिट के 200 से कम आप डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं खरीद सकते, और राशन कार्ड की लिमिट होती है कि भाई 100 से कम या 50 से कम राशन कार्ड आप नहीं खरीद सकते, तो इसका सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ। और वहाँ पर आपको 5 रुपये में या 6 रुपये में राशन कार्ड मिलता है, और जो डिजिटल सर्टिफिकेट है वो पेपर है जो मूल निवास जाति के, वो आपको 2-3 रुपये में मिलते हैं, बहुत महंगे मिलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अच्छा सा एक मतलब सस्ती सी वेबसाइट और सस्ता सा खरीदने का और जल्दी आपके होम डिलीवरी मतलब घर पे पहुंचा दिए जाएंगे, इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ जल्द ही, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। और बहुत अच्छी स्टेशनरी है, बाकी कोई कमी नहीं है, आपके डिजिटल सर्टिफिकेट पड़ेगा 1 रुपये का,
और राशन कार्ड पड़ेगा आपके 3 रुपए का। तो उसके पे भी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, आप चाहो जितना मंगाओ, एक राशन मंगाओ, एक डिजिटल पेपर मंगाओ, आप पे डिपेंड करता है, एक से लेके कितने भी आप मंगा सकते हो। हाँ, पर उसके अंदर मैं आपको जल्द ही वीडियो लेके आऊँगा कैसे मंगवाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो इस अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर जरूर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।